हाय, आई एम मुनीजा रियाज। वेलकम टू ब्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि वैजू अपने मामा के गांव गई है और वहां रण विजय के बारे में पूछा जाता है। फिर पता चलता है गांव के लोग मतलब इतने वेले बैठे हैं, उन्हें पता चल जाता है कि लॉज में जो है ना रण विजय, और वहां ले जाके वैजू को धक्का ही देके आते हैं। और फिर जब जया का फोन आता है तो जया को पीछे वैजू दिखती है। तो भाई ये कैसे रणविजय कैसे ये बात को संभाल पाएगा, तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीषा जी, ये क्या है? ये मतलब आप जो आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था कि क्या वाकई में ये जो गांव वाले इतने वेले बैठे हैं कि दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जो सालिया वाली हरकत होती है ना, जो जीजा साली के रिलेशनशिप में सालिया जो करती है, वैसे वाली हरकत ये हो रही है? व्हाट वुड यू से? पहली बात तो मैं तो पहले से उसी टाइम से ही मैं उस चीज को बहुत गलत समझा, जहां जबरदस्ती की शादी कराई गई बिना वजह का, एक गांव का वो डाला गया। फिर उनकी सोच ऐसी कि दूसरे गांव से आई हुई लड़की को जबरदस्ती किसी से भी शादी करा देना। अरे अगर आपके गांव में रहने वाली लड़की का किसी के साथ अफेयर हुआ है और आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, समझ आ रहा है, लेकिन कोई किसी दूसरे गाँव से रहने आया है कुछ टाइम के लिए, तो आप उस पर ऐसा हक नहीं जमा सकते हो। तो मुझे वो आइडिया तभी गलत लगा था जब इनकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी। फिर वहां जाने के बाद तो चीजें संभाल ली गईं और जया और रणविजय की शादी करा दी। फिर दोबारा से क्योंकि ड्रामा क्रिएट करना है, ड्रामा ही नहीं होगा यहाँ तो फिर खत्म ही हो गया है। अगर शादी हो गई है, वो हट गई, तो फिर कैसे ये वैजू का सच सामने लाएं, किस तरह से ये चीज आएगी सामने, और जो पहले नहीं हो पाई अब लाना ही लाना है उसको। तो उसके लिए मुझे लगता है कि फिर से जबरदस्ती वो वहां गई हैं, फिर से वो सारा कुछ हुआ है। जबकि देखा जाए तो जब शादी के टाइम पे रणविजय ने ऑलरेडी बोल दिया तुम जया की बहन हो, तुम यहाँ रह सकती हो, तो फिर उधर जाने का क्या ही बनता है उनको। चलो ठीक है, उसको बुरा लग रहा था कि मेरी नानी आई, मैंने उन्हें सही से बात नहीं करी और चलो मैं जाके मिल लेती हूँ, लेकिन फिर भी कि जमाई भी आना चाहिए, मतलब जबरदस्ती का कुछ भी डाल के एक ड्रामा क्रिएट करने वाली बात है। तो वो जैसे अभी हमने कहा था कि कोई चीज स्मूथली जाती है तो वो समझ आता है, कोई चीज करने के लिए की जाए ना फिर वो बहुत बुरा लगता है। और मैं तो वैसे ही अगेंस्ट हूँ कि रणविजय को जब जया पसंद थी और शादी हुई है और शादी होनी थी, तो फिर बेकार में किसी और को बस घुसाने के लिए क्यों ही घुसाना है अपने ड्रामे में। आप या तो उन्हीं की स्टोरी रखते और जया को कभी नहीं लाते, या इस तरह से रणविजय और जया का नहीं दिखाते, और दिखाते भी तो वो जो पहले हो रहा था शादी होने ही देते, वहां पे चीजें बाद में पता चलती तो एक ड्रामा होता, या जब जया कोमा में थी तो तभी टाइम पे उन दोनों की जब शादी हुई है तो वो टाइम पे फिर जया को इतनी जल्दी कोमा से नहीं लाना चाहिए था कि ताकि एक इनके बीच कुछ क्रिएट हो सकता और फिर बाद में वो उठती और बाद में चीज सच्चाई होती। पर इतनी जल्दी जल्दी चीजों को करके ना और ही ज्यादा मतलब एक मजा नहीं आ रहा है, फिर वो लग रहा है होने को हो रहा है अब देखो। तो जबकि आर्टिस्ट अच्छे हैं, वैजू जो है, ऋतुजा वो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, अंकित अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहा है, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब चीजें जबरदस्ती क्रिएट की जाए ना वो दिखने लगती हैं, तो मुझे थोड़ा उस चीज से जो है ना इख्तलाफ ही है कि मतलब ये क्यों है। आप बताइए। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. आई ऑल्सो फील कि दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट ट्राइंगल, कि यहाँ पे भी बनाओ वहां पे भी बनाओ, क्योंकि हमने यही देखा है ना कि रणविजय इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट कि ही वॉन्ट्स जया, ही इज विद जया, जया इज ऑल दैट मैटर्स टू हिम. सो आई फील कि राइटर्स जबरदस्ती वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ट्राइंगल वाला जो एस्पेक्ट है, कैसे इसको लेके आएंगे. दे मेड हर इन द हाउस, पहले तो जया वॉज इन कोमा, उस बहाने से फिर शादी के बहाने से जया ने बोला कि नहीं आप मेरी शादी तक आपको रुकना ही पड़ेगा, आप कहाँ जाओगे एंड ऑल दैट. फिर एवरी टाइम रणविजय ट्राइड टू पुट हर आउट, समथिंग और द अदर हैपेंड, दे स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग, एंड नाउ दैट व्हेन फाइनली शी वाज गोइंग ही स्टॉप्ड हर, एंड नाउ तो वो जब गई हुई है तो आप वापस से ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हो जो उस ट्रायंगल को जस्टिफाई करे. तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती की चीजें नहीं करनी चाहिए. एक सर्टेन वे में स्टोरी अगर जा रही है तो आई थिंक इट शुड बी अलाउड, या फिर वो ये सारी चीजें करते ही नहीं.
आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर, बट हाँ देखते हैं. आई नो कि ये सारी चीजें ड्रामा के लिए ही हो रहा है. दे आर ट्राइंग टू स्टर अप ड्रामा कि जया को जब पता चलेगा कि इन दोनों की शादी हुई तो क्या होगा, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें करने की ही कोशिश कर रहे हैं. बट देयर आर बेटर वेज टू डू इट, यू नो देयर आर मोर सेंसिबल वेज टू डू इट, देयर आर मोर यूनिक एंड अनएक्सप्लोर्ड वेज टू डू इट. आपको हमेशा से ये ट्रायंगल ही क्यों बरकरार रखना होता है. वो जो एक मोमेंट था जब रणविजय ने आई थिंक जया सच कहा था और वो बेहोशी हो गई, बट एट दैट मोमेंट इफ दैट हैड हैपेंड वहां पे कितना अच्छा ड्रामा क्रिएट हो सकता था कि जया क्या करेगी, अब घर वाले क्या करेंगे जब इनको ये पता चला है एंड ऑल दैट, सो मच थिंग्स कुड हैपन. बट नहीं, उनको जल्दी थी कि शादी करवाओ. अभी कैसे है, दोनों से शादी हुई है, तो ये चीज आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. हम रियलिटी टीवी में भी जब पॉलीगैमस रिलेशनशिप देखते हैं हम उसको क्रिटिसाइज ही करते हैं. आप वापस से उसको फिक्शनल वे में लेके आके आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट. और आपने बिल्कुल सही बोला, जब भी जया को बताया था जया बेहोश हो गई थी तो वही टाइम या तो उसे दोबारा से कोमा में डाल देते और इनकी स्टोरी उठाते, पर उसकी शादी ही करानी है फिर ये भी रखना, ये तो आप गलत दिखा रहे हो ना कि दो तरफ शादी हुई हुई है. और वो सही भी नहीं दिख रहा है कि उधर भी शादी हुई हुई है और आपके यहाँ तो स्पेशली इस चीज का बहुत ज्यादा है पॉलीगैमी का कि नहीं एक्सेप्ट नहीं है. और फिर भी आप दूसरे को क्या ही बोले जब ड्रामो में ही ये चीज इतना प्रमोट कर रहे हो, दिखा रहे हो, किसी भी रीजन से क्यों दिखा रहे हो. तो देखते हैं क्या होता है. एनीवेज, अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस. टेक केयर, बाय. हाय, आई एम अदिति शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.